हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ गेहूं के आटे से बनी हुई ठेकुआ की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन भी जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसे हम। और ये बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी में से एक है। इसे हम लोग बिहार में खस्ता भी कहते हैं, ठेकुआ भी कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने गुड़ लिया है, इसे पिसा हुआ गुड़ है। तो इसमें 120 ग्राम के करीब गुड़ लिया है और 1/4 कप इसमें पानी डालेंगे और इन सबको इसमें मिला लेंगे अच्छे से डिजॉल्व होने तक। तो इसको अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो रहा तो इसको हम गैस पे हल्का गर्म कर लेंगे, तो ये अच्छे से ना गुड़ जो है घुल जाएगी। तो ये पिसा हुआ गुड़ मैंने लिया है, आप चाहे तो कोई भी गुड़ ले सकते हैं। तो ये आटा लिया है मैंने, 2 कप करीब आटा है। तो 2 कप यानी 300 ग्राम के करीब आटा है। और इसमें मैं ना इसमें कटा हुआ नारियल मैंने डाला है और इसमें सौंफ डाला है मैंने 1 चम्मच और ये 4 चम्मच मैं घी इसमें डाल रही हूँ मोइन करने के लिए। तो इन सबको डाल करके हम मिला लेंगे अच्छे से और इतना इसको मिलाएंगे कि ये इस तरह से देखिए हाथ से बनने लगे। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब हम ये जो गुड़ मैंने जो पिघला करके रखा है ना, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका आटा लगा लेंगे। तो आटा जो है ना बहुत ही मतलब भुरभुरा टाइप का होना चाहिए आटा, जो है रोटी जिस तरह हम लोग बनाते हैं उस तरह से नहीं लगाएंगे। इसको इस तरह से हाथों से हल्का हल्का मिलाते हुए और इसका आटा लगा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम और इसका हम आटा इस तरह से लगाते रहे मतलब लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या इसे बोलते हैं? हम लोग तो इसे बिहार में ठेकुआ कहते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये गुड़ से बना रही हूँ मैं, ये चीनी से भी बनता है। तो ये छठ पूजा की स्पेशल ठेकुआ मैं बना रही हूँ, मतलब छठ पूजा में इस तरह से बनता है गुड़ से ही। जो हम लोग अर्घ देते हैं ना, वो ठेकुआ जो है गुड़ के ही बनता है और घी में ही बनता है। तो बहुत ही ज़्यादा ये खस्ता और कुरकुरी लगती है। आप इसे बना करके मतलब रख सकते हैं, 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होता है। तो इसको हम इस तरह से आटा मतलब अच्छे से लगा लेंगे, इस तरह से हाथों से मसलते हुए ही लगाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरह से हम पूरे आटे को हल्के हाथों से मसलते हुए लगा लेंगे। तो अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे और इसके ऊपर हम ना कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे ठेकुए पे। तो 2-3 तरह का डिज़ाइन मैं बताऊंगी, आपको जो भी सुविधा लगे आप बना सकते हैं। तो पहले तो इस तरह से हम हाथों से इसको प्रेस करते हुए ना इसकी पेड़े जैसी इसकी लोइयां मतलब बना लेंगे। तो ये ना इस तरह का मार्केट में मिलता है, लकड़ी का सांचा इसको बोलते हैं, ठेकुआ बनाने के लिए स्पेशली होता है। तो इस तरह मैं इसमें पहले मैं बता रही हूँ, इस पर थोड़ा सा हल्का घी जो है ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और इस पर हम इसको प्रेस करते हुए बनाएंगे। तो इस पर ना इस तरह से लेंगे और हल्के हाथों से यहाँ पाम से हाथों से इस तरह हल्का सा प्रेस करेंगे और मिडिल में प्रेस करेंगे हल्का। तो इस तरह से देखिए हमारा मतलब आराम से निकल जाएगा। इस तरह से हाथों से जब भी जो भी डिज़ाइन बनाना है इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से डिज़ाइन बनते जाएगा। तो ये इस तरह के जो मतलब जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें, देखिए इस तरफ में इधर तरफ अलग डिज़ाइन है। तो ये देखिए इस तरह से। तो हम इस तरह से ठेकुआ सारा बनाना, ये बनाना डिज़ाइन इससे मतलब बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। मगर आपके पास अगर उस तरह का सांचा नहीं है तो आप घर में कोई भी देखिए इस तरह की जो छन्नी होती है जो छानते हैं जिससे हम लोग इस पर हल्का प्रेस करेंगे ना, तो इस पर भी डिज़ाइन बन जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बन के आई है। तो बिना डिज़ाइन के भी बना सकते हैं, बस कुछ भी चीज़ से। देखिए जैसे ये कांटा है इससे हम प्रेस करेंगे हल्का तो इससे भी डिज़ाइन बन जाएगी। तो अगर नहीं है आपके पास में उस तरह का लकड़ी का सांचा तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये मैंने ना घी गर्म कर लिया है इधर और इसमें हम इसको डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो घी आप या रिफाइंड या तेल कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, बट ये छठ का ठेकुआ मैं बना रही हूँ तो घी में बना रही हूँ, बता रही हूँ आप सबको। तो इस तरह से ना इसमें डाल देंगे
और इसका जो गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे, बहुत हाई नहीं रखेंगे, वरना क्या होगा कि वे ऊपर ऊपर जल जाएगा और अंदर में कच्चा रह जाएगा ठेकुआ, तो क्रिस्पी फिर नहीं लगेगा खाने में। तो इसको हम ना मीडियम फ्लेम पर, मीडियम आंच पर इसको हम इस तरह से पहले डाल करके इसको बिना भी मतलब हिलाए हुए छोड़ देंगे थोड़ा देर। उसके बाद जब हल्का इसका कलर चेंज होने लगे तब हम इसको पलट पलट करके अच्छे से हम सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा ये ठेकुए का कलर बहुत ही गोल्डन कलर मतलब अच्छे से आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये जो ठेकुआ में जो क्रैक्स देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ही अच्छा हमारा खस्ता बना है ठेकुआ, मतलब इसका मोइन जो है बहुत अच्छा लगा है, इसलिए ये इस तरह से क्रैक्स आ रहे हैं। तो इस तरह से क्रैक्स आते हैं तो आप घबराइए नहीं, बहुत ही अच्छा मतलब बना है आपका ठेकुआ, तो इसलिए इस तरह से क्रैक्स आते हैं। तो मैं एक और तरीका बताती हूँ ठेकुआ बनाने का, मतलब बिस्किट जैसा इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बड़ा लोई लेंगे और इसको हल्का बेल लेंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा बेलेंगे तो फटने लगेगी, पर हल्का हल्का इसको मोटा ही रखेंगे, बेल लेंगे और इसको साइड से हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, तो ये बिस्किट जैसा बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और ये देखिए ये बिस्किट के जैसा बन गया है, तो ये होममेड बिस्किट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना करके रख सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे तो वो बिस्किट समझ कर बहुत अच्छे से खा लेंगे। तो दोस्तों, अगर हाथ से डालने में तेल में ना अगर आपका तेल का छींटा पड़ने का डर है तो आप इस तरह से छनौटे के ऊपर रख करके और इस तरह से आप धीरे से तेल में उसको इस तरह से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिहार के ट्रेडिशनल ठेकुआ है जो कि गेहूँ के आटे से ही बनता है। तो ठेकुआ कई तरह से बनते हैं, सूजी और आटा मिला के भी बनता है, मैदे से भी बनता है, बट ये गेहूं का आटा से ही मतलब बनता है। छठ पर्व जो होता है ना उसमें केवल हम लोग गेहूं के आटे से ही बनाते हैं, उसमें कोई सूजी मैदा वगैरह यूज नहीं करते हैं। और ये बहुत ही मतलब अच्छा लगता है खाने में और इसे आप बना करके तो आप रख सकते हैं, मतलब 15-20 दिन तक तो आप आराम से इसे रख करके खा सकते हैं। और या फिर कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं तो आप रास्ते में के लिए मतलब बना करके ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पूरा हमारा जो है ठेकुआ बन करके लगभग तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये ठेकुआ बन करके तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ठेकुआ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और हेल्दी भी है, गेहूं के आटे से बनी है। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ में नए वीडियो में। तब तक से आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।